हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एंड्रॉइड एक चैनल पर। एंड यहां पर आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, बिकॉज आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आपकी डिवाइस में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, परफॉर्मेंस, बैटरी, अब कुछ भी, वो सब फिक्स हो जाएगी, मतलब 110% फिक्स हो जाएगी, गारंटेड। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना इस वीडियो को। एंड ये जो है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है सैमसंग के गैलेक्सी नोट 9 के साथ में, जहाँ पर कि मुझे बहुत ज़्यादा मतलब हैंग होने की प्रॉब्लम आ रही थी। एंड सेम प्रॉब्लम मुझे सैमसंग के M20 के साथ में आ रही थी, तो मैंने दोनों ही डिवाइस पे ट्रिक यूज़ करी, बट अनफॉर्चुनेटली जब वो प्रॉब्लम आ रही थी तो उस टाइम पे मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। बट मैं यहाँ पर आपको प्रैक्टिकली अपने A50 के अंदर करके दिखाऊंगा। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि आपका डिवाइस चलते हुए बहुत ज़्यादा लेग कर रहा है, बहुत गंदा लेग मार रहा है, चाहे वो नोटिफिकेशन पैनल ऑन हो, चाहे ऑफ हो, एंड यहाँ पर हो, या इंटरनेट ऑन करो, या वाईफाई से कनेक्टेड कहीं पर भी हो, प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहा है, बैटरी काफ़ी फास्ट ड्रेन हो रही है, तो इस चीज़ का सॉल्यूशन है। मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, मतलब मैंने पहले पावर सेविंग मोड ऑन रखता था अपने नोट 9 के अंदर, थोड़ी सी ब्राइटनेस इंक्रीज कर लेते हैं, एंड नाउ मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ क्वाड HD रेजोल्यूशन पे, एज यू कैन सी हियर। एंड मैंने इसको लगभग अभी मैंने लगभग 4 बजे के करीब चार्ज करा था, 85%, एंड मैं इसे यूज़ नहीं करा फिलहाल, तो मतलब कॉलिंग वगैरह के लिए यूज़ करा, थोड़ी बहुत वीडियोज़ देखी, एंड 79% स्टिल, मतलब 79% है, तो मतलब काफ़ी अच्छा लगा, जबकि मैं नॉर्मली फुल HD पे यूज़ करता था, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि भाई मतलब ये बैटरी बैकअप इंप्रूव हुआ है। हालांकि मैंने ज़्यादा चलाया नहीं इसे अभी तक, मतलब यूज़ नहीं करा। वेल, जो ट्रिक है उसको करने के लिए आपको सबसे पहले जाना होगा अपने डिवाइस केयर में या डिवाइस मेंटेनेंस में। ओके, यहाँ पर भी डिवाइस केयर ही है, तो एंड्रॉयड ओरियो, एंड्रॉयड पाई में डिवाइस केयर आई गेस, या एंड्रॉयड ओरियो में डिवाइस मेंटेनेंस है, जो भी है, यहाँ पर जाना होगा आपको स्टोरेज पर। यहाँ पर आने के बाद में आपको आपकी जो स्टोरेज होगी यहाँ पर जितना भी दिखा रहा होगा उसे क्लियर करना है। एंड्रॉयड 10 के अंदर एक चीज़ है, मतलब जो कैश डाटा है वो हम क्लियर नहीं कर सकते हैं, पता नहीं ऐसा क्यों है, बट वो ऑप्शन रिमूव कर दिया है। अगर आप एंड्रॉयड पाई पर हैं तो इसे क्लियर करने के बाद में आपको जाना होगा स्टोरेज सेटिंग्स पर। यहाँ पर जाने के बाद में आपको लोड होने देना है। ऑलराइट, तो हम इसमें भी नहीं कर सकते, तो एंड्रॉयड ओरियो में आई थिंक बस एंड्रॉयड ओरियो में है फिलहाल, तो जो कि हम क्लियर कैश डाटा कर सकते हैं, जहाँ पर कि सभी जो कैच होता है वो क्लियर कर देता है, जिससे जो आपकी स्पीड है वो बूस्ट हो जाती है, बट आप उसी को अलग तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको फिर टर्न ऑफ करना होगा अपने डिवाइस को, हैवी को ऑफ होने के बाद में आपको यहाँ पर वॉल्यूम अप की एंड पावर की दोनों ही एक साथ प्रेस करने हैं, कुछ इस तरीके से प्रेस करके रखना है, चाहे नाम आ जाए आपका डिवाइस का A50। एंड देयर वी गो, तो यहाँ पर हम आ जाएंगे ये रिकवरी मोड पे। एंड यहाँ पर आने के बाद में आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा वाइप कैच पार्टीशन, यहाँ पर नहीं जाना है, वाइप डेटा फैक्ट्री सेट में, इससे आपका डिवाइस फॉर्मेट हो जाएगा। इसके नीचे वाला ऑप्शन पे जाना है आपको, वाइप कैच पार्टीशन पर। पावर की से आपको यस नो करना है, या फोल्ड जो भी सिलेक्ट करना है उसको ओपन करना होगा पावर की से, और यहाँ पर यस करके आपको पावर की प्रेस करनी है, एंड जो भी आपका वाइप कैच डाटा था वो क्लियर हो जाएगा। एंड देन आपको सिंपल से रिबूट कर देना अपने डिवाइस को। उसके बाद में जो भी आपकी प्रॉब्लम थी, फॉर एग्जांपल काफ़ी सारी एप्लीकेशन, मतलब मेरे साथ क्या हो रहा था कि नोट 9 में और स्पेशली M20 के अंदर, मतलब नोट 9 में तो ये था, 4.5 GB खा लेती रैम, उसमें रैम ही नहीं भर रही थी, मतलब कोई भी एप्लीकेशन बैकग्राउंड में रन ही नहीं कर पा रही थी। एंड M20 के अंदर पता नहीं क्या हो रहा था, 280 MB के आसपास रैम खाली थी, बाकी कम्प्लीटली फेल हो रही थी, बट वो चीज़ दोनों ही ठीक हो चुकी हैं। आज सुबह ही 12 बजे मैंने ये चीज़ को करा अपने डिवाइस के अंदर। बैटरी परफॉर्मेंस का मैं कुछ नहीं कह सकता, बट मुझे परफॉर्मेंस, नॉर्मल परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी लगी। और यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जब इस ट्रिक को मैंने यूज़ करा तो आपने देखा होगा कि फिंगरप्रिंट मेरे डिवाइस का, एटलीस्ट मेरा का तो बिल्कुल भी रिकनाइज नहीं कर पा रहा था, बट इसके बाद में मेरा फिंगरप्रिंट थोड़ा थोड़ा रिकनाइज कर पा रहा था अच्छे तरीके से,
मतलब मैं कहना चाहूँगा कहीं ना कहीं इसकी प्रॉब्लम भी फिक्स हो गई है। तो जिन लोगों को फिंगरप्रिंट की प्रॉब्लम आ रही है A50 के अंदर, वो ज़रूर इस ट्रिक को यूज़ करें एंड इस प्रॉब्लम को फिक्स करें, एंड करें इस ट्रिक को यूज़, मतलब महीने में ज़रूर करना चाहिए एक बार। तो थोड़ा कहीं ना कहीं फ्रेम ड्रॉप भी कम होगा, बट जैसे जैसे आप यूज़ करोगे अपने डिवाइस को तो फिर से कैश डाटा क्रिएट होगा, और महीने भर में आपको ये चीज़ करते रहना है जिससे कि आपकी डिवाइस की जो परफॉर्मेंस है वो मेंटेन रहे और वो ऐसी ही रहे जैसे कि आप चाहते हैं। तो यही था आज के इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो अच्छी लगती है लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, सो सी इन माय नेक्स्ट वीडियो। साइनिंग आउट।